आज अखबारों में देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो भाजपा के स्टार प्रचारक भी है वो झारखंड के दौरे पे आ रहे हैं और संभवतः वो चाईबासा आएंगे। उनका बहुत स्वागत है और उनके स्वागत के लिए चार मुद्दों पर उनसे हम लोगों की अपेक्षा है कि वो खुलकर बोलेंगे। एक तो आदिवासी अस्मिता का मुद्दा पर उनको बोलना चाहिए कि उनकी पार्टी की स्टैंड क्या है। सरना धर्म कोड को प्रधानमंत्री जी किस रूप में देखते हैं? आदिवासी अस्मिता पहचान उसके आस्था से जुड़ा हुआ है और आजकल खूब प्रधानमंत्री जी हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं क्योंकि वो चुनाव हार चुके हैं। तो ये बताए कि सरना धर्म कोड पर उसके मान्यता पर भारतीय जनता पार्टी का अपना क्या समझ है, क्योंकि आदिवासी का नाम लेना, जनजातीय गौरव दिवस बोलना और हाथ बंधवाकर एक आदिवासी महिला जो इस देश की सर्वोच्च पद पर है उनको खड़ा रखना और खुद बैठ जाना, क्या ये आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं? ये पहला सवाल उनके सामने। दूसरा सवाल, आप जिस इलाके में जाएंगे, पोराहाट, सारंडा, कोल्हान, वहां पर जो वन अधिकार वहां के स्थानीय लोगों का है, मूलवासियों का, आदिवासियों का है, उस पे आपने क्यों बदलाव किया? आपने ग्राम सभा को क्यों मुलतवी किया? आपने मानकी मुंडा पाहन व्यवस्था को क्यों वहां से हटाया? क्या मजबूरी रही कि वहां पर कॉरपोरेट अवैध रूप से घुसेंगे, उनके साथ उनके निजी सुरक्षा कर्मी या यो कहे कि सेना जो आर्म्ड होगी, जो सशस्त्र होगी, उन इलाकों में जाएगी और वहां पर खनिज का उत्खनन कर पाएगी? जैसे हसदेवा में अडानी जी कर रहे हैं, वैसे ही सारंडा, पोराहाट, कोल्हान में क्या अडानी जी घुसेंगे? ये दूसरा सवाल उनको देना पड़ेगा। उनके पास तीसरा सवाल है हमारा कि जो कोल बियरिंग एक्ट था उसके साथ छेड़छाड़ क्यों की गई, क्योंकि यह पूरा इलाका लोहा और कोयला का है। वहां से एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को क्यों हटा दिया गया?
पर्यावरण का जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसकी जो विश्लेषण है उसको क्यों हटा दिया गया, असेसमेंट है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, उसको भी शिथिल कर दिया गया। मतलब वहां के डेमोग्राफी को असंतुलित करने के लिए यह प्रयास किए गए, ताकि अवैध रूप से बाहरी व्यक्ति यहां पर घुस जाए। उसी एक्ट में आपने ग्राम सभा को क्यों समाप्त कर दिया? ये क्या बतलाता है कि आप झारखंड के हित में है, इस देश के हित में है, इस देश के आदिवासी मूलवासी के हित में है या विरोध में? और मेरा चौथा सवाल, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनको बताना पड़ेगा 10 सालों में एचईसी कैसे बर्बाद। राजधानी के आर्थिक मेरुदंड को उन्होंने क्यों तोड़ दिया? यहां राम रहीम नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी, यहां मटन मछली भी नहीं चलेगा। आपका झूठ का दुकान बंद हो गया है। आपको इलेक्शन कमीशन जितना भी सहूलियत दे दे, आप चुनाव नहीं जीतने जा रहे। आपको चुनाव आयोग अभी एक ही काम कर सकता है कि 400 के जगह में 800 सर्टिफिकेट आपको पहले से छपवा के दे दे। जनता ने आपको खारिज कर दिया। और इन्हीं मुद्दों पर उनके जो भी लोग आएंगे उनको भी बोलना पड़ेगा। ऐसे घूम के जाने नहीं देंगे हम लोग। हमारे जो सवाल है उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये जनता के सवाल हैं, ये यहां के लोगों के सवाल हैं। ऐसे नहीं छोड़ेगी यहां की जनता कि आप उसके लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल के अंदर करके चुनाव जीतना चाहते हैं। आप डराएंगे तो हम डरेंगे नहीं, हम आपसे लड़ेंगे। हम आपको बताएंगे कि जो आरक्षण आप शेड्यूल ट्राइब का जो छीनने की बात कर रहे हैं आप और आपके गृहमंत्री, उसको हम होने नहीं देंगे। हम बाबा साहेब के संविधान को बदलने नहीं देंगे। हम बिरसा के उलगुलान के मुद्दे को भूलने नहीं देंगे। हम पोटो होल के होके संघर्ष को हमेशा अपनी प्रेरणा बनाएंगे।
सीधो कानू फूलो झानो का संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। पांडे गणपत राय, नीलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी, किसी की भी शहादत यहां बेकार नहीं जाएगी। यहां का सवाल को भटकाने के लिए सांप्रदायिक बातें नहीं करेंगे, इसकी गारंटी आप पहले ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आयोग निष्पक्ष रहता तो जिस प्रकार की भाषा प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कार्यवाहक, उनको विशिष्ट अधिकार केवल इतना है कि उनके साथ सुरक्षा का मसला जुड़ा हुआ है, अन्यथा वो एक प्रत्याशी है। कोई यदि इतना झूठ बोले और आपराधिक झूठ बोले, उस पर FIR दर्ज ना होकर उसके पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस जारी हो। और देखिए अजीब स्थिति है चुनाव आयोग का, राहुल गांधी पे भी उनके अध्यक्ष को बोला गया। राहुल गांधी का जिस भाषण को उद्धृत किया गया वो असमानता पर था, आर्थिक असमानता पर। जो रिपोर्ट आई है उसको आधारित था, जो बौद्धिक विषय है। और प्रधानमंत्री का जिस भाषण पर किया गया वो आपराधिक विषय है। तो आप बताइए चुनाव आयोग निष्पक्ष कहाँ है? बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ये तो अटल जी ने ही समाप्त कर दिया था, और उसके बाद फिर जब UPA का गवर्नमेंट आया, 933 बोलते हैं उसको, उस नियम को, तो फिर उसमें कुछ शिथिल किया गया और एक असेसमेंट के बाद डिपेंडेंट को नौकरी दिया गया। लेकिन अब तो वहाँ पर नया रिक्रूटमेंट बंद ही हो चुका है। अब तो सब मोदी जी आने के बाद में कोल इंडियन माइनिंग तक आउटसोर्स हो गया, और जब आउटसोर्स हो जाता है तो ना वहाँ आरक्षण रहता है, ना वहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होता है। यही तो है पूंजीपतियों की सरकार, यही तो है मोदी सरकार कि मजदूरों का शोषण करो। मजदूर जो श्रम कानून है जिसके तहत जिस यूनिट में 10 भी लोग काम करते थे तो वहां पर श्रम कानून लागू हो जाता था। केंद्र सरकार ने उस श्रम कानून को भी बदल दिया, अब एक ही 100 के बाद ही उसको श्रम कानून माना जाएगा। तो श्रम विरोधी, किसान विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा विरोधी, आपको दलित विरोधी, मूलवासी विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, इनका तो हर सेक्शन में केवल एक ही दिखता है, मोदी जी के 2 आंख है, एक है बाया है अंबानी और दाया है अडानी। और चुनाव आयोग तो हमारे गांधी जी के, न उनको कुछ सुनाई पड़ता है, न दिखाई पड़ता है, न बोल पाते। उनका विश्लेषण कर लीजिएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त को थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा, बाकी दोनों जो नए आए हैं साइड कर दीजिएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK News Network को, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।